नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टैग गुरुजी में। दोस्तों, जो आज कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में ऐसी भी घटनाएं होती हैं। ये कहानी मुंबई के रहने वाले एक व्यक्ति रॉबिन की है, जिसकी नई नई शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी प्रिया के साथ। तो दोस्तों, रॉबिन जो था एक इंस्पेक्टर था, ये अपनी वाइफ से काफ़ी प्यार करता था। इन्होंने शादी की, उसके बाद ये हनीमून के लिए जम्मू जाते हैं। जम्मू इनके फेवरेट प्लेस होता है, ये वहाँ हनीमून के लिए जाते हैं। तो क्या करते हैं कि जब रॉबिन पूरे दिन जम्मू में घूमता है, घूमने के बाद ये अपना एक होटल बुक करते हैं। होटल में ये रात को रुकते हैं। तो रात को जब ये थक हार के काफ़ी थके हुए होते हैं, क्योंकि दिन भर की पूरी सैर करके आते हैं, जम्मू में घूम के आते हैं, तो जब ये रात को कमरे में सो रहे होते हैं, तब अचानक ही प्रिया को कुछ दो बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और वो आपस में जैसे भिनभिना रहे हों, कुछ बोल रहे हों। तो प्रिया को थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है कि होटल है, आसपास के कमरे में बच्चे होंगे, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करके दोबारा सो जाती है। लगभग थोड़ी सी देर बाद फिर से ही ऐसी आवाज़ आती है, तो वो रॉबिन को उठाती है और रॉबिन से कहती है कि क्या मैं भी यही चीज़ सुन रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। तो रॉबिन उसे कहता है कि ये होटल है, यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे होंगे और भी परिवार आके, फैमिली आके रुकी होंगी, ये उनकी आवाज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप सो जाइए। लेकिन जब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो रॉबिन उठ के एक बार अपने मैनेजर के पास जाता है, जो होटल का मैनेजर होता है, उसको सारी बात बताता है। तो मैनेजर कहता है कि सर, आपके जो बगल वाले कमरे हैं उसमें कोई भी नहीं है। तो वो एक बार मैनेजर जो क्या होता है, वो शायद देखता है कि कहीं होटल में कोई बच्चे घुस तो नहीं आया, तो वो जाता है आसपास के रूम चेक करता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, रॉबिन और उसकी जो वाइफ थी वो रूम के अंदर फिर आके सो जाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, दिन निकल आता है, उस दिन में फिर घूमने चले जाते हैं और जब रात को फिर आते हैं थक हार के, फिर खाना वाना खा के जब सोते हैं, तो फिर उनके साथ यही होता है, बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और भिनभिनाने की आवाज़ आती है, कि जैसे आपस में कुछ बात कर रहे हो, और दो बच्चे थे छोटे छोटे। तो रॉबिन इस चीज़ से काफ़ी उसको अनकम्फर्टेबल फील होता है, वो जाता है फिर से मैनेजर के पास, मैनेजर से बात करता है। मैनेजर कहता है सर, मैं आपके लिए किसी और दूसरे रूम का इंतज़ाम करता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो। तो इतना कहने के बाद वो फिर रॉबिन अपने रूम में आ जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन वही आवाज़ें लगातार आती रहती हैं। तो थोड़ी देर बाद मैनेजर आता है, मैनेजर उनका रूम जो है शिफ्ट करवा देता है। तो रॉबिन के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, आसपास के रूम में भी कोई नहीं था, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। रॉबिन के जो माइंड में ये सब सवाल चल रहे होते हैं। तो जब सुबह रॉबिन उठता है, रॉबिन उठने के बाद वहाँ के एक वेटर को पकड़ता है, उसे 50-100 रुपये की टिप देता है और उसे पूछता है कि जो रोने की आवाज़ें आती हैं ये किस चीज़ की हैं। तो वो उनको बताता है कि सर, आपसे पहले भी 2-3 कस्टमर इस चीज़ की शिकायत कर चुके हैं, सर ये आवाज़ कहाँ से आती है, कैसे आती है, किसी को कुछ नहीं पता। तो रॉबिन के दिमाग में ये सब चीज़ें घूमने लग जाती हैं, वो होटल के मैनेजर से बात करता है। होटल का मैनेजर और रॉबिन फिर उसी कमरे में आते हैं और रात को जब लगभग 8 से 10 बज जाते हैं रात के, तो वो दोनों उसी कमरे में बैठे होते हैं, तो वो इस आवाज़ों को सुनते हैं और उनको लगता है कि जैसे ये आवाज़ें बेड से या रज़ाई से आ रही हो। लोग बेड को पूरा खोल के देखते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है उनको, तो वो रूम को लॉक करके चले जाते हैं। सुबह मैनेजर जब रॉबिन मैनेजर से बात करता है, तो मैनेजर बताता है कि सर, आपको पता है कि होटल का जो आइटम होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए हम कॉस्ट सेविंग करने के लिए हम सेकेंड हैंड चीज़ें लेके आते हैं, जो सेकेंड हैंड दुकानों से लेके आते हैं। तो रॉबिन और मैनेजर जो होता है और उसकी पत्नी वाइफ प्रिया, ये सब उसी दुकान में जाते हैं जहाँ से होटल का मैनेजर जो है वो पुराने गद्दे और रज़ाई लेके आया था। तो दुकानदार कहता है कि सर, हमें कोई ये आइटम बेच के जाता है और हम इसे आगे सेल कर देते हैं। तो रॉबिन जो था वो एक पुलिस ऑफिसर था, तो वो उसके ऊपर थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और वो उससे कहता है कि आइटम आपने किससे ख़रीदा है। तो वो आदमी बताता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक नशा करता है, नशेड़ी है, जिससे मैंने ये आइटम ख़रीदे थे। तो रॉबिन लोकल कॉप की हेल्प से उस नशेड़ी को पकड़ता है। नशेड़ी को पकड़ने के बाद पता चलता है कि ये आइटम जो कहानी सामने आती है वो इस टाइप से थी कि जम्मू के अंदर एक फैमिली रहती थी जिसमें दो बच्चे थे और एक व्यक्ति था और उसकी वाइफ थी। तो जो वाइफ थी वो काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बीमार रहती थी और जो आदमी था, व्यक्ति था, उसकी कोरोना में मृत्यु हो जाती है अचानक से। तो इस सदमे को उसकी जो पत्नी होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और पत्नी की भी डेथ हो जाती है। उस घर में सिर्फ 2 ही बच्चे बचते हैं जो कि किराए के मकान में रहते थे।
तो बच्चे छोटे थे तो अपना पालन पोषण करने के लिए जो आइटम घर के होते हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करते करते लगभग सारा आइटम घर से बेच देते हैं जिससे वो खाना वाना खा लेते हैं। तो जब मकान मालिक को ये चीज़ पता चलती है तो वो जो बचा खुचा आइटम होता है वो रख लेता है और कहता है ये मैंने किराए में काट लिया है, और उन दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। दोनों बच्चे उस गद्दे को और रजाई को लेके खुले आसमान के नीचे चले जाते हैं। ठंड का मौसम था तो ठंड के मौसम में जब वो बाहर रजाई लगा के और गद्दा लगा के सो रहे होते हैं तो भूख के मारे दोनों तड़प रहे होते हैं। तो बड़ा भाई पूछता है, छोटे भाई से बात कर रहा होता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वो कहता है नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही लेकिन मुझे भूख लग रही है। और इतना कहते कहते वो सारी रात गुजारते हैं। जब सुबह लोग देखते हैं तो वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो मृत पाए जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उनका दह संस्कार कर दिया जाता है। दह संस्कार करने के बाद कोई नशेड़ी वो जो रजाई और गद्दा था उनको वहीं कहीं आसपास फेंक दिया जाता है, जिसके बाद वो लोकल जो नशेड़ी था वो वहाँ से उन रजाई और गद्दों को उठा के उसी दुकानदार को बेच आता है जहाँ से वो होटल का मालिक ले जाता है। उसके बाद रॉबिन क्या करता है कि वो जो मंदिर, वो जो गद्दा और रजाई होते हैं वो मंदिर को दान में दे दिया जाता है, जिसके बाद से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो दोस्तों हमारे समाज में ऐसी भी घटनाएं होती हैं, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।